ओके okay, तो केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्व एच एस एस सी पार्ट टू इसका गेस्ट पेपर है अकॉर्डिंग टू एस एल ओज है और फेडरल uh, बोर्ड में जो न्यू एस एल ओ के अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका गेस्ट पेपर है और ये हाफ uh, बुक का है बाकी हाफ बुक का मैं अपलोड कर दूँगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आप तैयारी करें इन चैप्टर्स की और उन चैप्टर्स की तैयारी करने के बाद इसको अटैम्प करें एग्जामिन करें कि आप लोगों से ये पेपर अटैम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है या किस तक हो रहा है या किस हद तक नहीं हो रहा मॉडल पेपर अपलोडेड है फेडरल uh, बोर्ड की वेबसाइट में उनको भी फॉलो करें और उसके बाद ये गैस पेपर भी देख लीजिएगा सेक्शन ए है आपके पास सेवनटीन मार्क्स का पैटर्न मोरलेस तकरीबन वही है लेकिन जो क्वेश्चन का नेचर है वो थोड़ा सा थोड़ डिफरेंट थोड़ है नंबर uh, वन uh, आपके पास है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मल्टी फंक्शनल पोली फंक्शनल पॉलीमर या मैनोमर नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सीजन एज पार्ट ऑफ इट्स फंक्शनल ग्रुप नंबर फोर द एबिलिटी ऑफ कार्बन आइटम्स टू अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन इतना तो मुझे याद है नाइन टेन में पढ़ा था टेन में पढ़ा था Uh, बाकी क्वेश्चन uh, आप लोग देखकर आंसर करिएगा नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट वे फॉर राइटिंग फार्मूला ऑफ हेप्टेन हेप्टेन का वे कौन सा है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेट्रिक हाइड्रोकार सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एकाइरोल मॉलिक्यूल या ए काल मॉलिक्यूल क्वेश्चन नंबर एट कॉमन और ट्रिवियल नेम फॉर ये बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एल डी हाइड आई थिंक अटैच है अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें शायद आ, आपने इसका नाम बताना है या ट्रिवियल नेम बताना है ऑफ द नाइन थे न्यूक्लियर फाइल न्यूक्लियो फाइल मुझे याद पड़ता है कि शायद ये न्यूक्लियस नुकलिय, लविंग ऑब्जेक्ट या आप कह सकते हैं एलिमेंट होता था तो आप देख लीजिएगा आप कौन सा होगा इसमें से टेंथ है विच टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट एलडी हाइड फ्रॉम किटोन इन लेबोरेटरी इलेवंथ है आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई अल्कोहल्स अल्डीहाइट और किटोन्स ट्वेल्व प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्शन दिया हुआ आपके पास अल्कोहल का आपने इसका रिएक्शन प्रिडिक्ट करना कौन सा रिएक्ट यहाँ पे करके uh, बनाए गए थर्टीन है टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल इज कमर्शियलीज टी एन टी पिक्रिक एसिड फिनोलिक एसिड या कार्बोक्लिक एसिड कार्बोलिक एसिड सॉरी फोर्टीन है विथ द फॉलविंग कंपाउंड कैन बी यूज एज एनेस्थीजिया ड्यूरिंग सर्जरी फिफ्टीन है द पी के ए वैल्यू ऑफ फिन एज और ये मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके पास ऑर्गेनिक uh, में से है सिक्सटीन है विथ द फॉलविंग इज बेस्ट सूटेड फॉर एस एन वन रिएक्शन एंड सेवनटीन है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अलकाय हेलाइड एयर इनमें से कौन सा ऑर्डर रिएक्टिविटी का सही है अलकायल हेलाइड्स का पास सेक्शन बी है फोर्टी टू मार्क्स का इच क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है नंबर वन डू यू थिंक डू यू रियली थिंक दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ंक्शनल ग्रुप इज ऑफ एनी इंपॉर्टेंस इन कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिव रीजन इन फेवर ऑफ यूर आंसर number 2 write a brief note on main u uh, sources of organic compounds number 3 how would you detect if an organic compound has part a both nitrogen and sulfur in it and b halogen in it fourth that the alkanes are inert towards acid alkalis al oxidizing and reducing agents under normal conditions justify the statement fifth that draw the structure of the following apne uh, a b c d

टेंथ है एक्सप्लेन वाई अमाइंस हैल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट हाई सोलिबिलिटी इन वॉटर हैव टेट्राहाइड्रोल स्ट्रक्चर इलेवंथ है वट हैोल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसर एट वन एटी कॉन्सेंट्रेटेड एस टू फोर एट वन फोर्टी ट्वेल्थ है प्रोवाइड एटलीस्ट थ्री डिफरेंस बिटवी थर्टीन राइटो वे आर रिकॉर्ड तो ये तीन कंडीशन uh, है रिएक्शन uh, है इनको कम्प्लीट भी करना है और जहाँ पर इनकी जो तो कंडीशन आती है वो भी लिखनी है Fourteenth, I justify the order of basic uh, uh, basic characters of amines as secondary amine, primary amine, and tertiary amine. Fifteenth, I compare aldehydes and ketones on the basis of their functional group, general formula, reactivity. Sixteenth, I explain briefly the carbonyl compounds have hi higher melting and boiling points as compared to anal uh, analogous alkanes, but lower melting and boiling points as compared to analogous alcohols. तो बी पार्ट है दसबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन वाटर इज हायर देन अल्केन्स बट लेसर देन अल्कोहल्स। सेवनटींथ है स्टार्टिंग फ्रॉम एन एल डी हाइड हाउ प्रिपेयर इथ इन एंड एसिटिक एसिड एटींथ है प्रोवाइड जनरल कैरेटरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोग नाइनटीन हैली शो द जोमेट्रिक एसोमिजम इन प्रोपीन ब्यूटीन एंड पेंटीन और ट्वेंटी है हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ सिमिट्रिकल किस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ए सिमिट्रिकल इसके बाद आपके पास सेक्शन सी है दो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ डज फिनोल रिएक्ट विद एच एन ओ थ्री एच टूस एन एच एंड सी ओ टू नंबर एक्सप्लेन द शेप ऑफ बेनजीन मालिक्यूल फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस्पेक्ट ये फाइव मार्क्स का है और ये एट मार्क्स का है मार्क्स अकॉर्डिंग आपने अटेम्प्ट करना है Fourth, I describe aldol condensation in detail along with uh, reaction mechanism. B here write a detailed note on functional uh, groups and give a suitable example of each. Uh, fifth, I explain Friedel Craft uh, acylation and alkylation with complete mechanism. And its B part, I provide a detailed comparison of uh, uh, substitution elimination reactions of alkyl halides. वट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द फेट ऑफ रिएक्शन ये सिक्स मार्क्स का है ये सेवन का है तो ये आपके पास एक गैस पेपर है केमिस्ट्री का सेकेंड ई ईयर का और लेकिन ये सिर्फ ऑर्गेनिक को कवर कर रहा है इन ऑर्गेनिक के लिए अलग पेपर होगा